मैं पीवीआर में ही काम करता हूँ यार, यहीं पे अनुपम पे। हम इसका नहीं कर सकते, हम सकते फुल का कर सकते हैं अगर हमारे पास मैसेज ना आवे पर्ची में आवे, इसका नहीं हम करेंगे यार। तो अब मेरे तरफ से तो चला गया ना रेफरल नंबर, वे सारी चीजें वेलकम मोटर को, कोई नई बात नहीं है और पहली बार नहीं है। मैं जानता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर नहीं आया, आप सारी बात जानते हो, इसका नहीं करेंगे हम फोटो। तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू ब्लॉग। और भाई आज जो मैं जा रहा हूँ मंडावली, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड आया है गांव से मुजफ्फरपुर से, तो वो आज रीच किया है, वहाँ पे ठहरा हुआ है, तो चलो उससे मिलकर आते हैं। जैसे मतलब यहाँ पहुँचा वो तो मुझे कॉल किया, बट मैं था ऑफिस में, ऑफिस से निकलते मुझे टाइम लग गया थोड़ा सा। तो अभी जैसे ही मैं निकला, मैं चलो पहले पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाने के बाद सीधे हम पहुँचेंगे उसके पास मंडावली। यहाँ से 19 किलोमीटर है, तो रास्ते में बातें होनी है, वो तो होती है हमेशा, जैसे कि हमेशा होता है वैसे ही अभी भी होनी है। तो चलो चलते हैं और देखो आज क्या क्या होता है। वैसे मैं खुद एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए, कि काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा वो। तो मैं जब मैं गाँव जाता हूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे से मतलब मुझे घुमाता है। आज मेरी बारी है कि मतलब अगर वो आया है दिल्ली तो उसको निराश नहीं करूँगा, मैं जाऊंगा उसके पास, और इसी वजह से जो है मैं निकला हूँ अभी। चलो पहले पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे। तो पेट्रोल है कम इसमें ना, पेट्रोल कम है, और उसके टाउन पेट्रोल की लाइनें देख रहे हो कितनी ज़्यादा लंबी है। शाम के टाइम भीड़ आपको ऐसे ही मिल जाएगा यहाँ पे ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो अभी देख रहे हो लाइनें, देखो कितनी सारी है, सारे बेचारे मुरझाए मुरझाए के शक्ल वाले जितने भी है यार, यहाँ पे धक्का इतना ज़्यादा मारता है ना कि इन सबकी हालत ख़राब हो जाती है। तो गलती इनकी भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इतनी गर्मी में, प्लस इतना सारा बाइक उसके साथ आके गर्म गर्म इंजन लेके खड़े हो जाते हैं इनके पास, और इनकी ना फट जाती है। एक तो गर्मी, ऊपर से ये गरम गरम बाइक लेके आया था, तो और भी ज़्यादा, जिसमें इंक्लूडेड मैं ऑल्सो हूँ, मैं भी इंक्लूडेड हूँ इसमें, तो चौंकने वाली बात नहीं है यार, ये चीज़ होता है। पेटीएम चलने देना, ठीक है, इसको ऐसे ट्रैक कर करके ऐसे। मोटर वेलकम मोटर है ना, रेफरल नंबर ले लो, डेट ले लो, और मेरा नंबर ले लो, फोटो क्लिक कर लो ना। कोई नहीं, आप इसका फोटो क्लिक कर लो, मेरा नंबर ले लो, अगर नहीं होता ना, मैं पीवीआर में ही काम करता हूँ यार, यहीं पे अनुपम पे। हम इसका नहीं कर सकते, हम सकते फुल का कर सकते हैं अगर हमारे पास मैसेज ना आवे पर्ची में आवे, इसका नहीं हम करेंगे यार। तो अब मेरे तरफ से तो चला गया ना रेफरल नंबर, वो सारी चीज़ें वेलकम मोटर को, कोई नई बात नहीं है और पहली बार नहीं है, मैं जानता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर नहीं आया, आप सारी बात जानते हो, इसका नहीं करेंगे हम फोटो, सकते फुल वाला का करेंगे। अरे यार मैं बोल रहा हूँ अभी थोड़ा सा लेट होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं पीवीआर में ही काम करता हूँ अनुपम में, ठीक है, हमेशा आता हूँ मैं, ठीक है, और ब्लॉगिंग भी करता हूँ, चल रहा है कैमरा, ठीक है, अगर नहीं आता आज 24 घंटे में तो मैं कल आके देखे जाऊंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप 24 घंटे में आपका दोबारा आता है, हम देखेंगे, हम तो पेटीएम चला रहे हैं हर बंदे का ऐसा यार, तो मेरे पास होना भी चाहिए बॉस, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सकते फुल का कर सकते हैं, वो तो इसका नहीं कर सकते, अकाउंट से कटने वाला, ये पेटीएम पर होता है और ये आपकी रिफंड हो जाती है पेमेंट, इसका आपको पता नहीं। रिफंड नहीं हुआ ना, वरना अभी मैं कर चुका हूं, तो आपको दोबारा करनी पड़ेगी, जब तक सकते दोबारा होना भी तो चाहिए, उस्ताद नहीं है
है ही नहीं पैसा, जितना था मैंने कर दिया वो आपकी बात। और क्या करूँ मैं बताओ, अभी दे दो कार्ड, दे दो कैश कार्ड, कुछ भी नहीं है इसके पास। नहीं अब नहीं होती, ना कैश है मेरे पास ना कार्ड है अभी मेरे पास, मतलब कार्ड में पैसे नहीं है। अब कैसे करूँ मैं बताओ भाई, बकचोदी हो चुकी है हमारे साथ। सत श्री अकाल सर जी, उनके मोबाइल पे आ गई होगी, अगर होगी तो उनके मोबाइल पे आ गई होगी, एक मिनट तक वो भी आएंगे। नहीं है यहाँ से तो कट गया, यहाँ मैसेज भी आ गया, रेफरल नंबर भी है मेरे पास। अब वो आ जाएंगे उनके, बता उसके मोबाइल पे आ गए। मैं ना थोड़ा लेट हो रहा हूँ, कोई स्टेशन पे आया हुआ है। यही पे से मेरे अगर अगर नहीं आया हुआ है ना तो आप मेरा नंबर ले लो, मैं पीजीआर में वर्किंग हूँ, आई कार्ड रख लो यार मेरा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल आके दे दूंगा। मस्जिद में रहो यार, दो मिनट पूजा करो यार, फिर फोड़ दो हम ये बोतलें देखें, हमारे को बैंक में बैठी हो जाती है। दो मिनट तो रुक जाओ ना, रुक सकते हो नहीं रुक सकते, दो मिनट रुक जाओ यार, दो मिनट तो रुक सकते हो सर जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आईडी रख लो, जहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल आपको कर दूंगा, कोई इशू नहीं है अगर आ गया तो। अच्छा तो भाई देखा क्या भसूरी फैल गई थी, मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसा थे नहीं, 300 रुपये ही थे, और इसी में ये चीज़ भसूरी हो गई कि ले भाई, वो भी पेटीएम वॉक नहीं किया, मतलब पैसे तो कट गए बट वही है कि हुआ नहीं, वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब प्रॉब्लम हो गई भाई। वो कहने लगे बाइक से तेल निकालो, अब भाई तेल निकलवा दो और भी ज़्यादा बेचती भाई, अभी अभी ऐसा हुआ ही नहीं है लाइफ।